हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पिटस एकेडमी। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आगे आइडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपके अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन जो है वो एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम के में ज़्यादा दिन तो है नहीं, आप लोग सभी को पता है, तो आप लोग अच्छे से रिविज़न और करते रहिए, अपने स्टडीज़ पे ध्यान देते रहिए, फोकस्ड रहिए। चलिए देखते हैं आज का पहला आइटम्स एंड फ्रेजेस। देखिए, हेल्टर स्केल्टर, ये ऐसे कुछ आइटम्स एंड फ्रेजेस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में हमेशा आते हैं और हर किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, बैंक का एग्ज़ाम हो गया, सीरियस अगर आप दे रहे हैं, एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इन सब एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये जो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ओडब्ल्यूएस, साइनोएंटो, ग्रामर रूल, अभी फिल इन द ब्लैंक शुरू हुआ है, हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं, नारेशन पढ़ चुके हैं, वॉइस पढ़ चुके हैं, वो भी सिर्फ अपने भाषा में, ना कि कोई किताबी भाषा में। हम लोग अपने भाषा में यहाँ पर सीखते हैं ताकि समझने में आप लोग को और आसानी हो। तो देखिए, आज का पहला आइडियम्स एंड फ्रेजेस, हेल्टर एंड स्केल्टर। तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियोस को ज़रूर शेयर करते रहिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो और लोग देखेंगे, इससे सीखेंगे, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं, हेल्टर एंड स्केल्टर मतलब होता है अव्यवस्थित ढंग में, अव्यवस्थित ढंग में। ठीक है, अव्यवस्थित ढंग में, इन डिसऑर्डर स्टेट, इन डिसऑर्डर स्टेट, अव्यवस्थित ढंग में जो है कोई भी सामान जो है वो रखा हुआ है, तो वो हो गया आपका अव्यवस्थित ढंग में, यानी कि हेल्टर, इन अ हेल्टर स्केल्टर मैनर। मतलब जैसे आप लोग पढ़ते हैं, अपना कॉपी किताब जो है वो जैसे तैसे रख देते हैं कहीं पे, बेड पे या कहीं पे भी, तो वो अव्यवस्थित ढंग से हो गया। इसलिए आप अपने बुक्स को हमेशा संभाल कर रखें, उसे एक सही ढंग से रखें, ताकि आपको दोबारा अगर उस बुक को ढूंढें तो कोई दिक्कत ना हो। इन लियू ऑफ, देखिए दूसरा, इन लियू ऑफ मतलब होता है के बदले में, के बदले में, इन स्टीड, इन स्टीड। ठीक है, इन लियू ऑफ मतलब कि के बदले में, इन स्टीड, के बदले में, इसके बदले में। ठीक है, इन स्टीड। चलिए देखते हैं आगे, गेट द सैक, गेट द सैक मतलब होता है निकाल देना, टू डिसमिस, जैसे ऑफिस से निकाल दिया जाता है किसी को, तो वो हो गया आपका गेट द सैक, टू डिसमिस। या आप कहीं पे क्लास कर रहे हैं और वहाँ पे बदतमीजी कर दी है टीचर के साथ, तो वो आपको वहाँ से भगा देते हैं कुछ समय के लिए, कहते हैं जाओ बाहर खड़ा हो जाओ, आपको पनिशमेंट मिलता है, तो वो हो गया आपका गेट द सैक, यानी कि टू डिसमिस। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, फोम एट द माउथ, फोम एट द माउथ यानी कि होता है बहुत क्रोधित होना, क्या होता है, बहुत क्रोधित होना, बी वेरी एंग्री, क्या होता है, बी वेरी एंग्री, फोम एट द माउथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके चेहरे पर जो है हमेशा गुस्सा ही होता है, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए। ठीक है, आप अपने पढ़ाई पे फोकस्ड रहिए और तैयारी करते रहिए। चलिए देखते हैं आगे, फेड अप, फेड अप मतलब होता है थका होना, थका होना। ठीक है, टू बी टायर्ड, टू बी टायर्ड, आप ज़्यादा काम कर लेते हैं तो वहाँ पे थक जाते हैं, तो वो वहाँ पे यूज कर सकते हैं फेड अप, फेड अप, एफ ई डी फिर अप, यू पी, फेड अप मतलब होता है थका होना, टू बी टायर्ड। चलिए देखते हैं आगे, गेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी कि रहस्य उजागर होना, रहस्य उजागर होना, टू रिवील द सीक्रेट, टू रिवील द सीक्रेट, रहस्य को उजागर कर देना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी कि रहस्य उजागर होना। चलिए देखते हैं आगे, ड्रॉ ऑन इच फैंसी यानी कि कोरी कल्पना करना, कोरी कल्पना करना मतलब जो सच ना हो वही उसी का कल्पना करना। ठीक है, कोरी कल्पना करना, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन,
जो ऑनिच फैंसी यानी कि कोरी कल्पना करना, सिर्फ इमेजिन दुनिया में आपको नहीं रहना है, रियलिटी में आइए, तैयारी करिए। चलिए देखते हैं आगे। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट मतलब होता है झूठी तसल्ली देना, झूठी तसल्ली, ठीक है। कोल्ड कंफर्ट मतलब क्या होता है, झूठी तसल्ली यानी कि इन एडुकेट कंसोलेशन, या फिर पुअर कंसोलेशन मतलब होता है तसल्ली देना, ठीक है। कंसोलेशन मतलब होता है तसल्ली देना, पुअर यानी कि झूठी तसल्ली, तो आपका कोल्ड कंफर्ट मतलब हो गया झूठी तसल्ली देना, ठीक है। तो ये है आज का कुछ इंपॉर्टेंट आइडम्स एंड फ्रेजेस, और भी हमारे लेसन्स हुए हैं बहुत सारे, तो आपको प्लेलिस्ट में द इंपेटस एकेडमी पे जो है प्लेलिस्ट सभी चीज़ों का बना हुआ है, तो आप वहाँ पे इजीली देख सकते हैं, जो जिस भी चीज़ में दिक्कत है आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आपको आसानी होगा ढूंढने में, समझने में। बस आपको सर्च करना है द इंपेटस एकेडमी, जो सब्सक्राइब किए हुए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं कल के क्लासेस में, थैंक यू।